नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। विमान यात्रा में 6.5 लाख के गहने चोरी, पुणे नागपुर उड़ान के दौरान चोरी का मामला, सोनेगांव पुलिस में मामला दर्ज। नागपुर तहसील के सेतु कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला, महज 70 रुपए की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार। और धान कटाई करते समय बाघ ने किया हमला, अकेले से बाघ से भिड़ गई महिला, गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी के पास की घटना। और अब खबरें विस्तार से। पुणे में विमान में आई महिला चिकित्सक के बैग से 6.5 लाख रुपए के गहने चुराए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण से नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विमानतल के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धनतोली निवासी डॉक्टर अनुराधा अनिरुद्ध सांबरे अनिर्जा हॉस्पिटल में कार्यरत है। उनके भतीजे की पुणे में शादी थी, उसमें शामिल होने के लिए वह 16 नवंबर को पुणे में गई थी। वहां से सोमवार की शाम नागपुर के लिए रवाना हुई। अनुराधा शाम 5:10 इंडिगो की उड़ान से नागपुर पहुंची। उन्होंने पुणे विमानतल पर 6.55 लाख रुपए कीमत के सोने के गहनों से भरा पाउच सफारी बैग में रख दिया। वह बैग लगेज ड्रॉप से नागपुर पहुंचा। शाम के 6:20 पर नागपुर के विमानतल पर पहुंचने के बाद अनुराधा भाई की कार में सवार होकर घर पहुंची। घर में बैग खोलने पर उन्हें गहनों का पाउच नजर नहीं आया। अनुराधा ने विमानतल और इंडिगो से संपर्क किया। मंगलवार को सोनेगांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। लगेज ड्रॉप के पहले सामान की स्कैनिंग होती है। पुलिस का संदेह है कि पुणे विमानतल पर ही गहनों की चोरी हुई है। अनुराधा ने बैग की चेन पर ताला लगाया था, वह भी लगा हुआ बताया जाता है। रिश्वत का लालच बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर चपरासी तक को अपने अगोश में ले चुका है। पिछले दिनों एनआईटी से एक चपरासी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इस तरह की घटनाएं हर दिन होती है। मंगलवार को भी सर्टिफिकेट देने के लिए 70 रुपए की रिश्वत मांगने वाले सेतु कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, महानगर पालिका और एनआईटी जैसे कार्यालयों में हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। तरह तरह के दस्तावेज बनाए जाते हैं, लेकिन जब तक टेबल के नीचे से हाथ गरम न करो, काम जल्दी नहीं होता। इतवारी के रहने वाले व्यवसायी की बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कॉलरशिप के लिए उसे कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना था। इसके लिए व्यवसायी ने तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। सेतु कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर पवन एकनाथ बिनेकर ने जल्दी काम करवाने के बदले 70 रुपए अलग से मांगे। पीड़ित व्यक्ति ने प्रकरण की शिकायत एसीबी से की। इंस्पेक्टर नितिन बागिलवार ने मंगलवार को सेतु कार्यालय परिसर में ट्रैप लगाया। पवन ने तुरंत सर्टिफिकेट देने के लिए 70 रुपए की मांग की। जैसे ही उसने फिरियादी से रकम ली, एसीबी की टीम ने दबोच लिया। उसके खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। रेस अक्रॉस अमेरिका का मिशन पूर्ण कीर्तिमान करने वाले शहर के साइकिलिस्ट अमित समर्थ फिर एक बार नया विश्व कीर्तिमान करने जा रहे हैं। वह गेटवे ऑफ इंडिया से 0 माइल तक की 1,035 किलोमीटर की दूरी रिकॉर्ड 40 घंटे में पूरे करने जा रहे हैं। नागपुर के साइकिलिस्ट डॉक्टर अमित समर्थ एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। वो गेटवे ऑफ इंडिया से 0 माइल तक की दूरी 40 घंटे में जल्द ही पूरा करने वाले हैं। अभियान के तहत वह नए विश्व स्तरीय अल्ट्रा का नया रिकॉर्ड दर्ज करने की कोशिश करेंगे। अमित समर्थ इस मिशन की शुरुआत 27 नवंबर को करने वाले हैं, जिसकी जानकारी अमित समर्थ ने पत्र परिषद के दौरान दी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित समर्थ, मैं इंडिया गेट न्यू दिल्ली से जो नागपुर का 0 माइल है उसको मैं 1,035 किलोमीटर का जो अंतर है वो मैं साइकिल से राइड करने वाला हूँ, और ये एक नॉन स्टॉप राइड रहने वाली है जिसमें मैं कंटिन्यूस साइकिलिंग करते हुए ऑल द वे न्यू दिल्ली से नागपुर तक एक रिकॉर्ड टाइम में आने वाला हूँ, यानी 40 घंटे के अंदर 1,035 किलोमीटर की साइकिलिंग करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि जैसे नागपुर एक साइकिलिंग सिटी है और इसको साइकिलिंग सिटी बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो हम साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं नागपुर का बाइसिकल मेयर भी हूँ,
और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नागपुर में साइकिलिंग को प्रमोट करूं, और इसके द्वारा हम लोगों को इंस्पायर भी करेंगे साइकिलिंग के लिए, और हम एक वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन का एक रिकॉर्ड भी क्रिएट करेंगे इंडिया गेट से 0 माइल नागपुर तक। इसके पहले मैं पहला भारतीय हूँ जिसने रेस अक्रॉस अमेरिका किया है। 2017 में मैंने रेस अक्रॉस अमेरिका 5000 किलोमीटर की रेस 12 दिन में की है, और उसके बाद में मैंने रेड बुल ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम जो दुनिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है 9100 किलोमीटर की, वो मैंने 25 दिन में की है, और मैं पहला एशियन और भारतीय एथलीट हूँ जिसने वो रेस पूरी की है। उसके अलावा अभी फ़िलहाल मैंने फ़रवरी 2021 में मैंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है इंडिया का 6000 किलोमीटर का, उसमें मैंने 13 दिन 9 घंटे में किया है, जो एक वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन का रिकॉर्ड है। और अभी मैं ये 1000 किलोमीटर का इंडिया गेट से 0 माइल तक करने वाला हूँ। इसके लिए मैं एज अ बाइसिकल मेयर, मैं पिछले 3-4 महीने पहले मुझे बाइसिकल मेयर बनाया गया नागपुर का, और हम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए मैं खुद मेरी ट्रेनिंग एकेडमी चलाता हूँ जहाँ मैं लोगों को साइकिलिंग सिखाता हूँ। नॉट जस्ट नागपुर में, ऑल ओवर इंडिया मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन चलता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ लोग मेरे से ट्रेनिंग लेके साइकिल रेसेस में जीतते। अभी फ़िलहाल ही वेरी रिसेंटली 2 लड़कियों ने नेशनल ट्रायथलॉन में फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया है, वो मेरे ही एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एकेडमी से, माइल्स एंड माइलर्स से, और मैं ऑल ओवर इंडिया भी लोगों को साइकिलिंग का ट्रेनिंग देता हूँ। उसके अलावा हम साइकिल रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं नागपुर में जिससे साइकिलिंग प्रमोट हो। गढ़चिरौली जिले के विभिन्न तहसीलों में बाघ की दहशत है। अब तक बाघ के अनेकों हमले से अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन चामुर्शी तहसील में एक इसके विपरीत ही घटना सामने आई है जो दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगी। एक जाबाज महिला अपनी जान बचाने के लिए सीधे बाघ से भिड़ गई। जी हाँ, महिला की हिम्मत और हौसलों के आगे पस्त बाघ को जंगल में भागने को मजबूर होना पड़ा। इस घटना के बाद संबंधित जाबाज महिला के बहादुरी की जिले भर में सराहना हो रही है। चामुर्शी तहसील के मुरमुरी गांव निवासी सरिता देवाजी चाहकाटे नामक महिला अपनी अन्य सहयोगी महिलाओं के साथ गांव के समीपस्थ खेत परिसर में धान कटाई कार्य के लिए गई थी। धान फसल के कटाई करते समय अचानक एक बाघ महिला के सामने आया, महिला पर हमला करने का प्रयास किया। सरिता बाघ से भयभीत नहीं हुई बल्कि उसने अपने हाथ रखे धान काटने के औजार से बाघ का सामना किया। महिला के शोर मचाने और मदद की आवाज लगाने के बाद सहयोगी महिलाएं भी चिल्लाने लगी, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, बाघ के पंजों के निशान की जांच की। इधर संपूर्ण जिले में इस बहादुर महिला के कार्य की सराहना की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शनिवार को नंदनवन के अनुसया मंगल कार्यालय में कैटरिंग सर्विस में काम कर रहे 16 वर्षीय किशोर का सिर लिफ्ट में फंसने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में नंदनवन पुलिस ने मंगल कार्यालय के मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में पता चला कि लिफ्ट में सेफ्टी डोर नहीं था, यह जानकारी होते हुए भी सामान लिफ्ट से ले जाया जा रहा था।
नंदनवन के अनुसया मंगल कार्यालय में सामान पहुंचाने के लिए एक लिफ्ट लगाई गई है, लेकिन लिफ्ट में सेफ्टी डोर नहीं था, उसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। यह जानकारी होते हुए भी सामान लिफ्ट से ले जाया जा रहा था। चौथे माले से नीचे उतरते समय संघर्ष नगर वाठोड़ा निवासी सुजन दिलीप साहू का सिर लिफ्ट के चैनल के गेट में फंस गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करने पर लापरवाही उजागर हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लापरवाही के चलते मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने और बाल कानून के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में अनुसया मंगल कार्यालय के संचालक संजय काले, जयश्री काले, मैनेजर हरीश पिल्ले और कैटरिंग ठेकेदार कन्हैया पटेल का समावेश है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के 2021-24 वर्ष के लिए चुनाव निर्विरोध होने जा रहा है। पूर्व आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर के बेटे अद्वैत मनोहर का अध्यक्ष बनना तय है। नामांकन के वक्त अद्वैत के विरोध में किसी ने भी नामांकन नहीं भरा, इससे एक बार फिर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पर मनोहर पैनल का दबदबा कायम हो गया है। उल्लेखनीय है कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पर काफी समय से मनोहर पैनल का वर्चस्व बना हुआ है। विरोध में कोई नामांकन नहीं होने से सब कुछ तय हो चुका है। मंगलवार को नाम वापसी का दिन था, लेकिन जब किसी ने विरोध में नामांकन नहीं भरा तो फिर नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं था। अब 4 दिसंबर को होने वाला चुनाव महज औपचारिक ही रह गई है। अद्वैत मनोहर अगले ही दिन वर्तमान अध्यक्ष एड आनंद जायसवाल का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में शशांक मनोहर बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद मनोहर परिवार का कोई भी सदस्य वीसीए अध्यक्ष में नहीं रहा है। हालांकि अद्वैत 4 वर्षों तक वीसीए के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नई कार्यकारिणी में अद्वैत अध्यक्ष होंगे और अविनाश देशमुख उपाध्यक्ष रहेंगे। हेमंत गांधी पर सचिव पद की जिम्मेदारी रहेगी। शरद पाध्य एक बार फिर सह सचिव बनेंगे। आरटी में प्रवेश के लिए कुछ विभागों द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। नामी स्कूलों में प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने से भी नहीं चुकते। पिछले दिनों बोरगांव आष्टी और येरला ग्राम पंचायत के सरपंचों ने कुछ पालकों को आरटी में प्रवेश के लिए रहवासी प्रमाण पत्र दिया, लेकिन यह पालक नागपुर शहर में रहते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत की गई थी। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग जिला परिषद को पत्र जारी कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों बोरगांव आष्टी और येरला ग्राम पंचायत ने परिसर की एक स्कूल में प्रवेश के लिए कुछ पालकों को निवासी प्रमाण पत्र बना कर दिया। नियमानुसार सरपंचों को आईटी प्रवेश के लिए निवासी दाखिला देने का उल्लेख नहीं है। कुछ पालकों द्वारा पहले निवासी दाखिला लिया गया, लेकिन किराया पत्र के आधार पर उसमें ग्राम पंचायत के किराया टैक्स की पावती नहीं जोड़ी गई। सरपंचों ने बिना टैक्स के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। आवेदनों के साथ दस्तावेजों में टैक्स की पावती जोड़ी नहीं गई। वेरिफिकेशन कमेटी ने इस मामले में योग्य तरीके से पड़ताल नहीं की। इस संबंध में ग्राम पंचायत निवासी रोशन खाड़े द्वारा जिलाधिकारी को तथा कार्यकारी अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी से शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि दोनों ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंचों ने अपने अधिकार का उल्लंघन करते हुए निवासी प्रमाण पत्र जारी किए। आईटी एक्शन कमेटी ने भी ग्रामीण अधिनियम 1958 धारा 39(1) के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की थी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग जिला परिषद को पत्र जारी कर मामले की योग्य जाँच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए है। गोंदिया के शास्त्री वार्ड निवासी दीपेश महेंद्र सोनवाने ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरकाशी स्थित माथाचर पर्वत के हुर्रा पॉइंट पर जाकर तिरंगा ध्वज फहराकर नया इतिहास बनाया है। गोंदिया जिले के युवक दीपेश एकमात्र पर्वतारोही है जिसने इतना बड़ा साहस कर दिखाया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरकाशी स्थित माथाचर पर्वत के हुर्रा पॉइंट ऊंचाई 15,000 फीट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दीपेश महेंद्र सोनवाने ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया था। इस प्रशिक्षण के दौरान उसने कठिन व बर्फ से ढके डोरियानी ग्लेशियर पर 12 दिन निकाले। माइनस डिग्री में रहकर चैलेंज स्वीकार कर यह माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण दीपेश ने पूरा किया। उसकी बचपन से ही पर्वत पर चढ़ने की बहुत इच्छा थी, जिसे उसने पूर्ण कर दिखाया। उल्लेखनीय है कि दीपेश ने डीबी साइंस कॉलेज गोंदिया से बीएससी की पदवी हासिल की है। महाराष्ट्र व भारत के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का उसका सपना है। इस सफलता का श्रेय उसने अपने माता पिता को दिया है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।